हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, बस मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और आज थोड़ा से प्लान ये है कि छोला भटूरा बनाने का, क्योंकि तेजस कह के गए हैं कि मम्मा आज मुझे छोला भटूरा खाना है। तो मैंने छोला सुबह ही बना लिया था और भटूरे का डब तैयार करके रख लिया है। बस मुझे भटूरा निकालना है। तेजस स्कूल से आएगा, बस मैं गरम गरम भटूरे निकालूंगी और बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और बस उसकी छुट्टी भी होने वाली है, तो बस वो आ जाए तो मैं भटूरे निकालूंगी। तो आज मुझे अपना वीडियो भी बनाना है ब्यूटी वाला, और बस खान लंच हो जाए तो हम लोग का, तो फिर हम लोग ये लोग सो जाएंगे तो फिर मैं अपना वीडियो बनाऊंगी। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जब ये लोग सो जाते हैं या तेजस आराम करता है तब मैं अपने वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं इधर उधर नहीं हो पाता है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज मैं भटूरा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि छोला भटूरा बनाना है मम्मा। तो बस वही लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं आटा सान के रख दूँगी तो भटूरे का, तो डब जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा मैदा है, मैंने 2.5 कटोरी मैदा लिया है। और तो अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच बड़ी दही लिया है और 2 चम्मच दही कर दे रहे हैं इसमें। और तो अब मैं दही डालने के बाद मैंने इसमें इतनी सी शक्कर ली है, तो उसे शक्कर डालने से थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है भटूरे में। तो मैंने शक्कर डाल दी है, मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं 4-5 चुटकी शक्कर डाली है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मत डालो। और मैंने थोड़ा सा नमक, ये 1/2 चम्मच से भी कम है, नमक डाल दिया है। ये नमक और चीनी का जब होता है तो फ्लेवर बहुत तेजी से बढ़ता है। और मैंने 1 पैकेट इनो लिया है, मैंने 1 पैकेट इनो ले लिया है। तो इनो को इसमें डाल देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है भटूरे बनाने की, या डब ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है डब और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैं जब जल्दी में होती हूँ तो ऐसे ही काम करती हूँ। तो मिक्स कर रही हूँ मैं सब अच्छी तरह से, ताकि पहले मिक्स हो जाए तब मैं वो करूँगी इसको। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अगर मैं ऑयल डाल दूंगी तो भटूरे हमारे फूलेंगे नहीं, तो इस वजह से मैं ऑयल बिल्कुल नहीं डालूंगी अभी। थोड़ा थोड़ा जैसे हमें डब सानना है उस हिसाब से कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल लिया है और ऊपर से ऐसे से लगा दूंगी, ताकि जो है हमारे भटूरे एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बने। ज़्यादा नहीं लगाना है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हो, जो हमारा सरसों ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं सरसों ही का लगा रही हूँ। और इसको कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए दे दूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपने बाकी जो मेरे काम रह गए थे वो मैं पूरे करने। तो मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया है, ये देखिए मेरा काफ़ी छोटा फ्रिज है, अगर हमारी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है, बेटा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और ये मेरा डब है भटूरे का, और ये बढ़ भी गया है, मतलब जितना उसका डब था पहले उससे थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। बस अब तेल हो जाए तो मैं भटूरे निकालूंगी। तो
भैया कूड़ा कर लीजिएगा। मेरे छोले भटूरे बन गए हैं और तेजस की फरमाइश थी तो मैंने बना लिए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं हमारे छोले भटूरे, ये है प्याज, ये है हमारा छोला और अचार, ये भटूरे और ये हैं और भटूरे हॉट स्टफ में, और ये है राइस। बस अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं, फिर लंच के बाद आपसे हम लोग मिलते हैं। हमारा लंच हो गया है और तेजस को मैंने सुला दिया है क्योंकि स्कूल से आया था तो थक गया था, तो मैंने कहा उसको मैं सुला देती हूँ दिन में, और उस वाले कमरे में दोनों जन आराम कर रहे हैं, यानी उसके डैडी और तेजस दोनों आराम कर रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो आज मेरे से बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि मैंने डस्टिंग करना शुरू कर दिया है क्योंकि अब दीपावली के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो साइड साइड के टेबल वेबल होती हैं और जो चीज़ें हैं उनको डस्ट डस्ट करना शुरू कर दिया है। आज मैंने फ्रिज साफ़ किया है और अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है क्योंकि मंदिर मैं आज इस वजह से साफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने काफ़ी काम कर लिया था, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में भी मुझे बहुत सारा जो अनमारी थी तो उसमें मतलब कि सफाई करनी थी, तो उसमें सफाई कर ली है मैंने पूरी तरह से, जो बेकार चीज़ें थी वो बिल्कुल ही निकाल दी हैं, हटा दी हैं, बहुत सारा मतलब कूड़ा निकला है। और मेरे बेटे की जो टॉयज़ वाली अनमारी थी उसमें तो बहुत ज़्यादा जो टूटे फूटे टॉयज़ थे वो भी हटा दिए हैं, और तेजस की जो पुरानी बुक्स थी कॉपीज़ थी जो भर गई थी उन सबको हटा दिया है। तो मतलब कि लगभग मेरा जो है घर एकदम साफ़ हो गया है, बस ऊपर से डस्टिंग करनी है, जो थोड़ा बहुत जाला रह गया है बस वही करनी है, और बाकी मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। तो अब मेरा सारा काम हो गया है, बस मैं कल में या परसों में मैं बिल्कुल अपना जो है कमरा क्लीन कर लूँगी क्योंकि मुझे अब केवल ऊपर से डस्टिंग करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी मैंने जितना भी दरवाजे हैं जो हैं सब पोछ लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आपको मेरे सर में बहुत सारा ऑयल दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत ऑयल लगाया था, बहुत ऑयल लगाया था क्योंकि मेरे सर में जब दर्द होती है तो मैं खूब सारा ऑयल लेकर अपने सर में लगाती हूँ, थोड़ी मालिश करती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। 2 दिन से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उससे पहले मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से और मैंने ऑयल लगा लिया। और जब मैं सर अपना वॉश करती हूँ यानी तो 1 दिन पहले मैं खूब सारा तेल लगा लेती हूँ, ताकि तो मैं एकदम से सफाई नहीं करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम से सफाई करूँगी तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगी। मैं कम से कम नहीं तो दिमाग में ये सोच के चलती हूँ कि आज मुझे किचन साफ़ करनी है तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब वो जो डेली का काम होता है वो तो करना ही करना है, मगर अगर जैसे कि आज मैंने किचन की है तो मैं कमरे में बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ, तो फिर मैं फिर अगले दिन कमरा लेती हूँ, फिर दूसरे दिन आंगन लेती हूँ, इस तरह से धीरे धीरे करती हूँ। मगर कमरा भी मैं 2 से 3 दिन में साफ़ कर पाती हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए एक साइड मैंने आज साफ़ कर लिया तो दूसरी साइड मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि एकदम से नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं डेली वाले जो डेली के काम होते हैं तो वो भी मैं करती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कर करती हूँ। तो ऐसे मेरा त्यौहार से 3-4 दिन पहले सफाई शुरू करती हूँ और 1-2 दिन पहले मेरी सफाई कंप्लीट हो जाती है आराम से। तो ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं है, छोटा से है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, मगर मैं 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले सफाई करती हूँ। सबको मेरा चेहरा सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि मेरी नोज रिंग खो गई है, पता नहीं कहाँ खो गई है, और मुझे लानी है अपने लिए नोज रिंग, क्योंकि जो पहनते हैं तो उनको बड़ा ख़राब लगता है और मुझे खुद को भी बहुत ख़राब लग रहा है। मेरा चेहरा मुझे सुना सुना लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सालों से पहनती आई हूँ, मतलब कि जब मैं क्लास 9th में थी तभी मेरी नाक छिदवा दी गई थी, तो
तो इस वजह से मैं तब से पहनती आई हूँ। मैंने तो बहुत ही नोज रिंग इतनी खोई है कि बता नहीं सकती। मैं हर तीसरे चौथे दिन खो देती थी, तो मम्मी बहुत चिल्लाती थी, बहुत डांटती थी मेरी मम्मी मुझे। फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना ब्यूटी वाला वीडियो बनाना है। तो इसलिए अगर आपको अपने हाथ में ड्राइनेस नज़र आती है, या आपके हाथ बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो मेरा ब्यूटी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो, मैं चलती हूँ, बाय।